हेलो दोस्तों, राधे राधे। मेरा नाम है रोशन कुमार। आप देख रहे हैं ये आलू और इसका बनेगा अभी आलू कचालू। तो मैं 5 मिनट में चोखा बना के आपको दिखाऊंगा आलू का। तो आप लोग बस वीडियो को कंटिन्यूस देखते रहिए। तो अब 5 मिनट शुरू होगा जब मैं ये गैस ऑन कर दिया हूँ। तो मैंने इसको 1400 के टेम्परेचर में सेट कर दिया है और देखिए मैं 5 मिनट में कैसे आज बनाता हूँ आलू का चोखा। 5 मिनट में आलू का चोखा बनाने के लिए हमको नीचे बैठना पड़ेगा। इसमें बैठूंगा तो काम नहीं होगा। और ये कढ़ाई लगभग गर्म हो चुका है। तो अभी देखिए क्या करता हूँ मैं। इस आलू को छील के भी डाल सकता हूँ और बिना छीले भी डाल सकता हूँ। तो मैं सोच रहा हूँ छील लेता हूँ इसे। कितना मिनट हुआ? 5 मिनट। अभी एक्चुअली मैं ये आलू छिला हुआ नहीं है, नहीं तो अभी उसमें डाल देता तो 5 मिनट से ज़्यादा समय लग सकता है। क्योंकि आलू अगर छील के रख लेते तो ज़्यादा टाइम नहीं लगता। तो अभी देखिए मैं कैसे बनाऊँगा फटाफट से आलू का चोखा। तो आलू को मैं छील लेता हूँ क्योंकि इसका स्किन मुझे कुछ ज़्यादा ही मोटा लग रहा है इस बार जो आलू लाए हैं। मतलब कि ये चोखा मैं बना रहा हूँ कि आपको दिखाऊंगा कि अगर घर में कोई गेस्ट आ गया और सब्जी ख़त्म हो गया या रोटी बची हुई तो उसको कैसे 5 मिनट के अंदर बात करते करते आपको पल भर में बना के देना है। जैसे पाउडर वाला दाल होता है ना, वो बन जाता है 2 मिनट से 5 मिनट में। तो उसी प्रकार से ये वाली चोखा भी मैं 5 मिनट में बना कर आज तैयार करूँगा। तो आप देख सकते हैं मैंने इस आलू को अच्छी प्रकार से छील लिया है और इसको थोड़ा सा पानी इसमें है, इसमें धो भी लेता हूँ। और अब इसको मैं पतले पतले स्लाइस में काटूंगा, बिल्कुल पतला पतला। आप चाहें तो इसका इस्तेमाल ऐसे भी कर सकते हैं। कहाँ गया हमारे पास? ये था ना, ये वाली है मेरे पास। तो इसका इस्तेमाल कर सकते हैं आप लोग। किधर से कटता था ये? इधर से ना। क्या तो इस प्रकार से आप जब आलू कट जाए तो इसमें इस प्रकार से बैठा दीजिए। और देखिए मैं 5 मिनट में कैसे अभी आलू का चोखा बना के तैयार करता हूँ। इसमें ऑलरेडी पहले से तेल था। अब मैं चोखा इसी में बनाऊंगा जब ये ठंडा जाएगा। तो देख लिया दिमाग कैसे लगाए तो क्यों नहीं बन जाएगा 5 मिनट में चोखा? पता है हम कहाँ ये वाली वीडियो देखे हैं यूट्यूब पे, बंगाली लोग बनाता है। ओ हमारे घरे गेस्ट ऐसे गए थे, अबर केमन करे हमें खबर तैयारी कर वो। फिर वो जल्दी जल्दी जाती है ऐसे आलू को पतला पतला करके उसके लिए चोखा बना देती है। ऐसे करके बहुत चीज़ का चोखा तरह बना देती है, बैगन का। इसको बोलता हूँ हमें सरप्राइज, तुम्हें केमन करे कुक कर ले। तो फास्ट लोग का वीडियो में जानता है ना, मज़ा आता है देखने में। तो इस प्रकार से, अरे बाप रे, अभी मेरे पास और ये आलू आ गया, इसको भी अब निपटाऊंगा मैं। अरे इधर से वो निकल रहा है इसका, तो उल्टा साइड में चला दिया भूल के। इसमें हाथ कटने का बहुत मुझे डर लगता है, बहुत ज़्यादा। और नहीं होगा, बस जितना मेरा क्षमता था मैंने इतना इसका स्लाइस निकाल दिया इससे। और अब आप देख सकते हैं ये आलू तो इस प्रकार से आप आलू का चोखा आसानी से फटाफट बना सकते हैं। तो आप देख सकते हैं मैंने क्या क्या। और अब देखिए अब इसको क्या करूँगा मैं, इसमें बस थोड़ा सा तेल डाल दूँगा और जो एक मिर्च है इसे भी डाल दूँगा इसमें इस प्रकार से।
ये भी फ्राई हो जाएगा साथ ही साथ। और ये हमारे पास टमाटर है, इसको भी लास्ट में लाएंगे, तो पहले इसको इस प्रकार से इसमें तेल ऑलरेडी बहुत था ना, क्या लगता है तुमको आलू नहीं सीझा होगा अब तक? What do you think about this potatoes? अब टेम्परेचर कम कर लिए हैं, ये अब आपका बनने के लिए तैयार है, तो इस वजह से आप बेफिक्र रहें। और इस प्रकार से इस आलू को आप पलट दीजिए, आप देख रहे हैं मैं पलट रहा हूँ इसे कुछ करके। हाँ हो गया, इसका एक थंबनेल लेना होगा ना, नहीं छोड़ दो, फोटो से ही थंबनेल ले लेंगे इस वीडियो से, सीज गया होगा आलू, नहीं सीझा होगा, 300 टेम्परेचर दिए हैं, सीज गया होगा। तो अब इसमें मैं प्याज, और देखिए ये छोटा सा टमाटर का टुकड़ा है, इसको डाल दूंगा इसमें। और एक प्याज है, इसको डाल देते हैं, और बाकी मसाला नहीं भी देंगे तो काम हो जाएगा। नमक दिए थे इसमें जल? नमक देना होगा क्योंकि मसाला इसमें ऑलरेडी कल का पड़ा हुआ है, तो मसाला नहीं डालेंगे हम लोग, ना हल्दी डालेंगे इसमें। बस ये कच्चा प्याज डाल के गैस को बंद कर दूंगा, और मोबाइल को तब तक पॉज में रख दूंगा, तब तक मैं सलाद बना लूँगा। सलाद खाएगा कि नहीं? नहीं, क्यों? तो अब एक ये चोखा जो प्याज वाला है इसको कर लेता हूं मैं। ऐसे करके वेरी फास्ट किसी भी चीज का चोखा बना सकता है, फास्ट। तो फाइनली मेरा अब ये काम डन हो गया है, चोखा बनाने के लिए जो जो चीज़ें चाहिए थी मैंने इसमें डाल दिया है। अब इसको हाथ से मिक्सअप कर लूँगा और मेरा ये चोखा बनकर रेडी है। तो दोस्तों अभी मैं दिखाऊंगा कि इसको मैं कैसे हाथ से मिक्स करता हूँ, तब तक वीडियो को पॉज करके रख दो तुम। हेलो दोस्तों, तो आप देख सकते हैं ये मैंने जो अभी तैयार किया था, तो आप देख सकते हैं ये कितना पतला है और ये सीज गया है तुरंत। तो इस प्रकार से आप इसका चोखा बना सकते हैं इस तरीके से। तो आज और इसका थोड़ा सा टेस्ट भी अलग होगा। तो अभी देखिए मैं जो इसमें डाला था मिर्च, इसको भी चूर कर लूँगा इस प्रकार से। और ये चोखा आपको खाने में नया टाइप से लगेगा और टेस्टी भी लगेगा, तो थोड़ा सा यूनिक भी हो जाएगा और क्या बोलता है कि चीज़ें भी अच्छी लगेंगी। देखिए किस प्रकार से मैं इस आलू को चूर कर लेता हूँ। मैंने हालांकि एक ही आलू दिया था इसमें, तुमको क्या लगता है ये चोखा स्वाद लगेगा कि नहीं, स्वाद लगेगा या नहीं? गजब स्वाद लगेगा, गजब। अरे हाँ, अरे बहुत अच्छा बनता है चोखा तो। हाँ, इतना मेहनत नहीं कर पाएगा होटल वाला, वो तो मना कर देगा डायरेक्ट, या दूसरा चिपकाने में देगा, बोलेगा आमलेट ले लो, ये ले लो, उनको लगता है वो बना के देगा। हमको नहीं लगता, लो
तुमको देते हैं आधा, हम लेते हैं आधा। टोटल इतना चोखा बन गया इसका, देखिए ये वाला चोखा बना है इतना। तो इसमें भाई को देंगे हाफ और हम लेंगे थोड़ा सा ज़्यादा, बराबर बराबर कर देता हूँ। जो लेगा भाई ले लेगा आधा, और जो हाँ तो नहीं चाहिए क्या तुम्हें मिर्च? ये वाला भाई को दे देता हूँ और वो मैं ले लेता हूँ। कौन तो लेगा, बड़ा लेगा छोटा? छोटा बच्चा समझ समझ के मुझको ना समझाना। अरे इसमें यहाँ क्या हो गया, अरे इसमें भी जलने लगा क्या? देखो कालू नहीं बना, मसाला होगा लो। तो दोस्तों देख सकते हैं ये चोखा बनकर तैयार होगा। मैं योगा करूँगा, पता नहीं, खा के देख लेता हूँ कैसा लगता है। सम है, बहुत गजब टेस्ट है, मजा आ गया रे। तो आज का हम लोग का रेसिपी ये है, रोटी, गुड़, आलू का चोखा और कद्दू दल कद्दू की सब्जी। तो अब भाई खाएगा और मैं योग करूंगा। तो फिलहाल वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, राधे राधे।